हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्राक्षी और आप देख रहे हैं प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। या गाइस, ये वाली जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन था एंड मैंने तभी एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं कि दी बताओ आपने वो साड़ी कहाँ से ली है, ब्लाउज़ का आइडिया कैसे आया, बैंगल्स के बारे में बताओ, ज्वेलरी के बारे में बताओ, हील्स के बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से ली थी, कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली थी, कुछ ऑफलाइन ली थी एंड ज्वेलरी वगैरह सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ साड़ी और इस साड़ी को परचेज करने के पीछे मेरा क्या थॉट प्रोसेस था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक एंगेजमेंट फंक्शन अटेंड करना था तो मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे लाइट आउटफिट चाहिए और हैवी ज्वेलरी चाहिए। और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी साड़ी देखी थी पर जैसे मुझे साड़ी चाहिए थी जो मन को एक बार बहा जाए वैसी नहीं मिल रही थी। देन मैंने सोचा क्यों ना बनारस जाया जाए, तो हम लोग बनारस गए, देन हमें ये वाली साड़ी मिली। साड़ी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक कलर की साड़ी है, आप देख सकते हो पूरी ब्लैक कलर की साड़ी है। इसका जो मटेरियल है बॉडी हगिंग मटेरियल है, एकदम अच्छे से फिट हो जाता है बॉडी पर, उस टाइप का है। एंड पूरी साड़ी की जो शो है ना उसके बॉर्डर से प्लस इसकी ब्लाउज से आ रही है। देखिए बॉर्डर कितना प्यारा है, बॉर्डर पे आप देख सकते हो बांधनी का काम है इधर और साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर कलर के स्टोन को चिपकाया हुआ है। एंड पहनने के बाद ये वाली जो साड़ी है बहुत रिच लुक दे रही है। इसका प्राइस कितना था? अराउंड 2300 रुपीज़ इसका प्राइस था। एंड बनारस में एक शॉप है रंग वर्षा, वहाँ से हमने इसको परचेज़ किया था। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी बहुत अच्छा है। इसका ब्लाउज़ का जो आइडिया आया था मुझे पिंटरेस्ट से आया था एंड देख सकते हैं आप इमेज। मैंने सोचा था कि हाँ मैं ऐसा ही ब्लाउज़ बनवाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो ब्लाउज़ नहीं है पर आगे मैं उसकी क्लिप लगा दूँगी तो आपको समझेगा कि हाँ कैसा दिख रहा था वो जो ब्लाउज़ है। तो फ्रेंड्स, या इसका जो मटेरियल है इम्पोर्टेड मटेरियल है और इसकी जो शो आ रही है पूरी इसके बॉर्डर और ब्लाउज़ से आ रही है। तो साड़ी मैंने बनारस से ली थी, रंग वर्षा शॉप है, शॉप का एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। या फ्रेंड, जितना टाइम मुझे साड़ी खरीदने में नहीं लगा ना उससे ज़्यादा टाइम मुझे ज्वेलरी पसंद करने में लगा, क्योंकि ब्लैक कलर की साड़ी के साथ बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ज्वेलरी के, या तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा ब्लैक कलर की ज्वेलरी देखती हूँ और मैंने ऑनलाइन बहुत सारी ज्वेलरी देखी बट मेरे माइंड में था कि नहीं यार ब्लैक के ऊपर ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्लैक के साथ ना ऑरेंज, ये वाला जो ऑरेंज शेड है ना उसका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हूँ। ऑरेंज की इतनी सारी ज्वेलरी देखी ऑनलाइन पर जैसा नेकलेस और जैसी ज्वेलरी चाहिए थी वैसा मिल ही नहीं रहा था। और मेरे पास फिर लास्ट ऑप्शन था इस टाइप से पिंक का, क्योंकि इसमें पिंक कलर भी है, पिंक और ऑरेंज है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार अब पिंक कलर का देखते हैं कुछ नेकलेस। उसमें कुंदन होने चाहिए और पिंक की डिटेलिंग होनी चाहिए और सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कि वो जो ज्वेलरी है हैवी होनी चाहिए। तो बहुत सारा ढूंढने के बाद हमें एक ज्वेलरी सेट पसंद आया, बहुत सारी ज्वेलरी में से सिर्फ एक ही ज्वेलरी सेट पसंद आया, वो ही मैंने ऑर्डर किया था। या फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं बात कर रही हूँ इस ज्वेलरी सेट की और बहुत अच्छे से ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा था मेरी साड़ी के साथ एंड जैसा मुझे चाहिए था ना लुक वैसे ही मुझे मिला इस ज्वेलरी की वजह से। आप देख सकते हो ये कुंदन का यहाँ पर काम किया गया है, देन नीचे ये हैंडक्राफ्ट वाला जो ज्वेलरी सेट है उस टाइप का है, यहाँ पर वुडन का कुछ काम किया है। उसके नीचे आप देख सकते हो लटकन मिल रही है पिंक कलर की और पहनने के बहुत बहुत ही स्मार्ट पीस लग रहा था, रिच लुक दे रहा था। एंड बात करते हैं कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है। ये मैंने ख़रीदा है आजियो से, हाँ आजियो से मैंने इसको मंगाया है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था 2000 समथिंग था पर मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल गया था। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एंड ये जो ज्वेलरी है इट्स फ्रॉम जावेरी पर्ल्स, ये नेकलेस है, नेकलेस मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इयररिंग्स की, तो आप देख सकते हो इयररिंग्स इसके ऐसे हैं। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर फुलफिल हो गई थी,
मतलब लाइट साड़ी, हैवी ज्वेलरी। लड़कियों का काम सिर्फ साड़ी और ज्वेलरी से नहीं चलता, उसके साथ बैंगल्स भी चाहिए। तो मुझे सिंपली रखना था लुक, उसके लिए मैंने देखिए इस टाइप की बैंगल्स खरीदी थी। ये पिंक है, टोटली मैट बैंगल है, बहुत प्यारी लगती है, थोड़ा गर्लिश टाइप लुक देती है अगर आप साड़ी के साथ इस टाइप की बैंगल को पेयरअप करते हो। पिंक भी मैंने मैट खरीदा और ये ऑरेंज भी मैंने मैट खरीदा, एंड ब्लैक में ना मैंने थोड़ा शिमर लिया क्योंकि ब्लैक को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली थी, बहुत ही कम, मतलब दो तीन बैंगल में इसकी लगाने वाली थी और जो मेजर बैंगल्स में यूज़ करने वाली थी ये पिंक वाली थी। तो ये जो तीन टाइप की जो बैंगल्स हैं मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, अराउंड 200 to 300 रुपीज़ में मुझे ये पड़ गई थी। सी, बैंगल्स हो गई, साड़ी हो गई, ज्वेलरी हो गई, अब बात आती है हील्स की। मेरी जितनी भी हील्स है वो मुंबई में थी तो मुझे यहाँ पर कोई अच्छी हील्स मंगानी चाहिए थी, बट आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मच मनी इन हील्स। तो फिर मैंने अमेजोन पर कुछ ऑप्शन देखा, तो आप देखिए मुझे ये वाली जो हील्स है वो मिली हैं, ब्लॉक हील है ये, और साड़ी के ऊपर इस टाइप की जो हाई हील्स होती हैं वो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और कॉपरिश शेड में है और कॉपर मेरी साड़ी में भी डिटेलिंग थी। तो मुझे ये वाली जो हील है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई, अराउंड 400 to 500 रुपीज़ में। इसका बाइंग लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये वाली जो हील्स है ना रखी रहती हैं, इतना हम इसको पहन ही नहीं पाते, अगर कोई फंक्शन रहता है, शादी रहती है या फिर कोई भी पार्टी वेडिंग वगैरह रहती है तभी हम पहन पाते हैं, तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे, तो इसलिए इसको मैंने अमेजोन से मंगाया और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सब साड़ी, बैंगल्स और ज्वेलरी सब की बात हो गई, बात करते हैं हेयर एसेसरीज़ की। ये जो हेयर एसेसरीज़ में आप देख सकते हो रेड कलर के फ्लावर और सिल्वर कलर के फ्लावर, ये सैलून वाली जो दीदी है जिन्होंने मेरा हेयर स्टाइल किया था उन्होंने ही ये लगाया था, तो हेयर एसेसरीज़ में मैंने ये यूज़ किया था। या फ्रेंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड किसका प्राइस अफोर्डेबल लगा वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन गिव बिग थम्स अप, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और जाते जाते प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो क्योंकि मैं आपसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। बाय।